आजादी के बाद के दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यही बिहार में नौकरी मिले, यही बिहार में रोजगार मिले। आज जिन हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उसके मूल में भी यही भावना है। आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? इसका सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं।